डाली डाली फूलों की। और जिनके जिनके घुघते बनते हैं वो अपने घुघते बनाने की तैयारी। वन भी आ गया है और अब हम दोनों निकल रहे हैं यहाँ से जयविहार की तरफ को। और यहीं बाहर हमारे पहाड़ी स्टॉल लगे हुए हैं। आपको कहीं से प्रतीत नहीं होता होगा, आपका हृदय से स्वागत करते हैं। अब मैं सुरेंद्र हूँ, प्रथम शिक्षिका हूँ मैं। आप और जोश आ जाता है। सबसे पहले मैं धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका अपना दीपू भाई बैक टू पहाड़ से। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हमारे ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। दगड़ियों, पिछला ब्लॉग आपने देखा, आई होप आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिनके जिनके घुघते बनते हैं वो अपने घुघते बनाने की तैयारी में लग गए होंगे या शाम को बनाएंगे। तो आज जय विहार में लगा हुआ है महाकौतिक और मैं नाश्ता करता हूँ और सगयान बजाने के जो हमने आज और सगयान बनाने के बाद मैं निकलता हूँ जयविहार। जयविहार में महाकौतिक है, महाकौतिक का आप पूरा एंजॉय कीजिए और मज़ा आ जाएगा उत्तरायणी मकरायणी का महाकौतिक देख के। तो देखते हैं कौन कौन से उत्तराखंड के कलाकार आ रखे हैं और उत्तराखंड में आपको ले जाते हैं। तो भुवन भी आ गया है और अब हम दोनों निकल रहे हैं यहाँ से जयविहार की तरफ को। तो एक बार फिर से सभी को मकरायणी उत्तरायणी की हार्दिक शुभकामनाएँ और मिलते हैं फिर जयविहार। निकल दिए हैं दोनों भाई सफर में जयविहार के। तो दगड़े, अब हम पहुंच गए हैं यहाँ जहाँ आज ये प्रोग्राम हो रहा है और यहाँ पे स्कूटी हमने खड़ी कर दी है और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से अंदर को और देखते हैं अंदर क्या क्या प्रोग्राम चालू है। और यहीं बाहर हमारे पहाड़ी स्टॉल लगे हुए हैं, पहाड़ी ज्वेलरी सारी। और इधर गेम्स भी लगे हुए हैं बच्चों के खेलने के लिए, सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं। इधर देखो क्या ज़बरदस्त हो रहा है। और यहाँ खाने पीने की भी स्टॉल लगा हुआ है एक छोटा सा। और यहाँ से अंदर को अब हम निकल रहे हैं। क्या ज़बरदस्त यहाँ पर व्यवस्था की गई है, देखो वाह। और सभी को एक बार फिर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। भीड़ देखो क्या ज़बरदस्त हो रही है, वाह। बहुत सुंदर बच्चों जी, जोरदार तालियों से इन बच्चों का उत्साहवर्धन किया जाए। और हमारे बीच मौजूद हैं हमारे मेहमान श्री दिगंबर नेगी जी, जो कि HP ज्वेलर्स करके अपने इनके ज्वेलरी की शॉप है हमारे 25 फुटा रोड पर और समाज के प्रति बहुत समर्पित रहते हैं। हमेशा समाज सेवा में बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया है। ये उत्तराखंड सांस्कृतिक एकता मंच अभिनंदन करता है और जोरदार तालियों के साथ एक बार दिगंबर नेगी जी का स्वागत किया जाए। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में कार्यक्रम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे दोबारा से फिर से अनुरोध करना चाहता हूँ, कृपया जिस तरीके से ये कार्यक्रम अब आगे धीरे धीरे बढ़े और अपने आप में ये ऐतिहासिक कार्यक्रम एक भव्य आयोजन का रूप लेगा, तो कृपया आपसे अनुरोध है, कृपया अपनी जगह लेने की कृपा करें ताकि किसी भी अव्यवस्था से बाद में बचा जा सके। हमारे कई बुजुर्ग और युवा साथी उधर महिलाओं के सेक्शन में भी खड़े हैं। आपसे अनुरोध है कृपया आप अपने अपोजिट साइड में प्रशांत पांडे हमारे वॉलेंटियर वहां पर खड़े हैं। आपसे अनुरोध है भाई कि यहां पर जो भी आपके ये हमारे युवा जो भी जेंट्स खड़े हैं
यहाँ पर बढ़ गई है, जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है लोग आते जा रहे हैं, धूप भी बहुत प्यारी खिली हुई है और बहुत सुहाना मौसम हो रहा है। और अब कार्यक्रम के आगे बढ़ते हुए मेघा रावत के ग्रुप का डांस सोलो को कर पा रहे हैं। और दानदाताओं की लिस्ट में इनके सहयोग के लिए हम हृदय से आभारी हैं। कृपया आप सभी हमें इसी तरीके से सहयोग कर सकते हैं। और दानदाताओं की लिस्ट में दरमियान सिंह जी ने हमारी संस्था को 500 रुपए का सहयोग दिया है। आप जोरदार तालियों से दरमियान जी का करने की आप कृपा करें, क्योंकि ये अपने आप में बहुत अनुकरणीय है। जो हम बार बार कहते हैं कि उत्तराखंड नहीं है बल्कि संपूर्ण सनातन धर्म की और सभी समाजों का है, वो झलक आपको इस डांस में देखने को मिली। इस डांस में 3 बच्चे बिहार समाज के थे लेकिन वो हमारे उत्तराखंड के लोग आपको कहीं से प्रतीत नहीं होता। बहुत बड़ा जो हम लोग आज समाज को एक लेके चलने की बात कर रहे हैं उसमें बहुत अनुकरणीय है। परंपरा के हिसाब से स्नान और दान, तो स्नान और दान की परंपरा में आज माघ महीने का पहला दिन है और दान स्वरूप जो हमारी संस्कृति दान को एक बहुत बड़ा
मानती है, तो आप हमारी संस्था को दान देने के लिए भाई कुलदीप भंडारी जी और हिमांशु रावत जी हमारे कैश काउंटर पर मौजूद हैं स्टेज के पास में, वहां पर पधार कर अपनी तरफ से कोई भी सहयोग आप दे सकते हैं, जिससे हमारी संस्था आगे आने वाले समय में और अच्छे अच्छे कार्यक्रम करा सके, और हम आपके हृदय से आभारी रहेंगे। हमारे म्यूजिशियनों का प्रोग्राम बिल्कुल तैयार हो चुका अनजानों पर भी लुटाती बेशुमार प्यार, अपनी छोड़ सबकी परवाह करती। Yeah.
बैक टू पहाड़। वो हमारी माया दीदी है और परसा गाना भी माया दीदी का आप सुनते ही है। टी बॉटल दीदी का बहुत फेमस हुआ था, क्या रहता था तो दीदी भी जानते थोड़ा। तो दगड़े हम अभी हम यहाँ पर जय बिहार के हमारे काफ़ी लोग खड़े हुए हैं और इनसे जानते हैं कि आज ये प्रोग्राम जो हमारा हो रहा है उत्तरायणी का, और अभी सब अभी तक तो जो डीजे के गाने चल रहे थे लेकिन गायक लोग अब आए हैं। अभी जैसे मैं माया उपाध्याय का इंटरव्यू दिखाया था कुछ देर पहले, तो अब भैया जी मिले हैं, भैया जी से जानते हैं और इन्होंने बैक टू पहाड़ को सब्सक्राइब भी कराया है। तो पहले भैया जी सुनिए, आपका नाम? मेरा नाम भुवन। आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए। अभी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे कलाकार आ रहे हैं और अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अभी माया जी का स्टेज परफॉर्मेंस है, उसके बाद इंद्र आर्या जी आएंगे और धीरे धीरे करके सारे कलाकार आके अपने परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो भैया जी मैं कह रहा हूँ लेट नहीं होगा ज्यादा? ये थोड़ा सा होता है स्टार्टिंग, थोड़ा सा डिले होता है, अभी शाम तक चलेगा। इवनिंग पूरी हमारी है, पूरी शाम हमारी है, पूरी शाम उत्तराखंड की है। ये तो है, जब क्या कहते हैं सूर्यास्त पहाड़ी मस्त, तो आज पूरा मस्त रहेंगे यहाँ और इंजॉयमेंट होता रहेगा। भैया से भी जानता हूँ थोड़ा, यहाँ बहुत अच्छा लगा। आज उत्तरायणी मकरायणी का हम त्यौहार मना रहे हैं जय बिहार अपनी कॉलोनी में, और भाई बैक टू पहाड़ से हमें मिले, बहुत इनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भैया अपना नाम भी बताओ। मेरा नाम रोहित है, रोहित जी, और प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। हाँ, और सबकी सोच जो यहाँ पे है, सभी लोग गांव वापस ही जाते हैं, सभी बैक टू पहाड़ वापस जाना चाहते हैं। मेरा नाम है गोविंद सिंह बोरा जी, मैं बेदनाथ का रहने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ जो हमारे उत्तराखंड के लोग संत सिंह के प्रोग्राम करते हैं और जो चैनल में दिखाते हैं, गाना गाते हैं, हम भी थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं, अच्छा लगता है। तो हम तो क्या गाना गा सकते हैं, लेकिन उनकी नेगेटिव लेते हैं, मतलब जो गाते हैं उनका थोड़ा सा बहुत। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत ही हमारे जो बीच हमारे जितने भी हमारे यहाँ पे पहाड़ के लोग रहते हैं, बहुत ही उम्दा कलाकार है, बहुत ही बढ़िया भजन गाते हैं। इनका एक भजन अगर आप सुन लोगे तो आप अगर बैठे हो तो आप उठोगे नहीं, जब तक ये भजन आप बोलोगे यही गाएंगे, किसी को आप बोलने नहीं दोगे, बहुत ही एक नंबर। एक अपना भजन बढ़िया सुना दीजिए, मुरली गोपाल वाला सुना दीजिए, आप सुनाते हो बहुत बढ़िया। मैंने मंदिर बनाया है दुर्गा, दुर्गा मैया तेरे लिए। मैंने मंदिर बनाया है दुर्गा, दुर्गा मैया तेरे लिए। आप भी आना सीता जी को लाना, सीता करेंगे पूजा पाठ, दुर्गा मैया तेरे लिए। मैंने मंदिर बनाया है दुर्गा मैया तेरे। मैं जब देखा कैसे प्रोग्राम चल रहा है, बाकी कभी आप मिलेंगे। मैं बैक टू पहाड़ के माध्यम से एक अपने छोटे से बच्चों की जो हमारी बिछौड़ी उत्तराखंड की जो बहुत अच्छी लगती है वो दिखाना चाहूंगा अपने माध्यम से, अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है कितने अच्छे लग रहे हैं छोटी छोटी बिछौड़ी में। बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य देख के बहुत अच्छा लगता है। हम पहाड़ में ना रह के शहर जैसी जगह में रह रहे हैं, हमें पहाड़ जैसा पूरा माहौल मिलता है यहाँ पे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बैक टू पहाड़ के माध्यम से आएगी तो ये बच्चे से अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो हम इनका इंटरव्यू कराते हैं। इसको पकड़ लेना, पूरी कमेटी का अपनी तरफ से पूरी कमेटी का स्वागत करते हैं कि कृपया करें। ये जो है भाई आनंद राणा जी, आप ही आ जाइए। तो आज हमारा प्रोग्राम हो रहा है, सारे बच्चे बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, हमारे पहाड़ी बच्चे सारे, और जैसे यहाँ पे हमारे साथ है निधि थापा, इन्होंने बहुत योगदान दिया बच्चों के प्रिपरेशन में, और अंजलि यहाँ पे थक चुकी है, पूरा सो चुकी है, और यहाँ पर सारे बच्चे आप देख सकते हैं, सारे बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप जाके बच्चों ने यहाँ पे मतलब डांस अपना करा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे लाइव आएगा, और ये हमारा बॉयज ग्रुप है सारा, सुमित भाई हमारे साथ, इन सारे आए बोलो भाई, सबने बहुत मेहनत करी, धन्यवाद। मोमेंटो देखा छठ में बाबा मंदिर छठ पूजा समिति, इन्होंने
नमस्कार, देख रहे हो मैं पवन, ना पवन पहाड़ी है, एक और पवन पहाड़ी है। अब उत्तराखंड पे आ रहा हूँ, यहाँ पे उत्तराखंड समाज हो रहा है एकत्रित हो रखा है उत्तराणी मकरणी त्यौहार मनाने के लिए। काफी खुशी की बात है कि हम यहाँ पे एक उत्तराखंड के पलायन के बाद हम सभी उत्तराखंड के लोग यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं, जिससे कि आप देखेंगे हमारी इतनी भीड़ है यहाँ पे उत्तराखंड की, चारों तरफ उत्तराखंड के इतने लोग हैं। और मुझे ये बताते बहुत खुशी हो रही है, देखो हमारे वेशभूषा जिस प्रकार से हमारे पहाड़ आदि ये इकट्ठा हो रहा, और अपन जो एक त्यौहार जो एक हमारा अपना भाईचारा अपन आपसी भाईचारा बनाने के लिए हम ये इकट्ठा हो रहा हूँ। और मैं सबूत हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना जो कि हम जतुल पहाड़ी आदि जो हमारे अपन जतुल त्यौहार थे संज्ञान थे वो सबका सब हम यदि मनाते रहे। और जैसे ये विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो पहाड़ी का अलग अलग वेशभूषा में लोग आ रही मामा जी बताएंगे हमारे पहाड़ में बुलानी बहुत बढ़िया पहाड़ बुलानी और हमारे मैम जी और मैम बहुत दूर बानी हिमालय पहाड़े जो जागेश्वर ब्लॉक बड़ी मैं पहाड़ मैं शिक्ष में आ गई थी पूछो ना उनका स्वभाव उनका बोली चाली और उनका मिलन सारी इतने पहाड़ी आदमी है यहाँ पे मिलन सारी। और मामा जी हो गए हमारे मम्मी भाई हो गए ये हमारे रामनगर मंदिर में और हमारे बीच में कमल जी एक कमल था हमारे बस मैं ये देखता हूँ हमेशा बैक टू पहाड़ को देखता रहता हूँ वॉच करता हूँ बहुत ही बढ़िया चैनल है ये हमारे दीपू भाई ये हमारे उसमें देख रहे हैं इनको सारे इनके सारे वीडियो देखता हूँ अभी इनकी भागवत चैनल इनको भी देखता हूँ। और जैसे ये जानते हैं कि पहाड़ के आदमी इतने संजय नाथ होते हैं उनको राम जी से इतना प्यार है कि आपको क्या बताएं हम पहाड़ वापिस जरूर जाएंगे और हम सवोड़ी अपर चैनल पर कर चाहते हैं कि चतुल आदि पहाड़ पर ये तारी साल में एक बार आप और घर जरूर जाया चले की जो दुहारू पर ताल आई भैया भरने लागन बिल्कुल भरने लागन आजकल एक गांव में 10-20 आदि यहाँ पे ज्यादा नहीं रह गए गोर बहादुर तो छोड़ो सुवरू वास को और पुटोखंड भी सुवर यार क्या करो अभी सुनो साग है गए फर्स्ट क्लास मदरा रोड है गए कगुनी रोड है गए गद्दू साग है गए कतु भल लागू मारा कतु बड़ी लागू अबर पहाड़ जन बोला अबर पहाड़ जन बोला अबर पहाड़ जरूर जाए अबर पहाड़ जरूर जाए अबर हम अबर चैनल तुम्हारे चैनल माध्यम है यार बिल्कुल आनंद कि आहा कतु भल हमारे पहाड़ जो हमारे ठंडी हवा ठंडी पानी और हमारे केबल वाले भाई है केवल वाले भाई आओ ना अरे आओ हटना यार। तो धन्यवाद आप सभी भाई लोगों का और बैक टू पहाड़ को सपोर्ट करना है तो आगे भी जानते हैं और आगे लोगों से भी मिलते हैं। जय बिहारक जान जमान और दान श्याण हमारे सम्मानित लोगों द्वारा ये मकरणी उत्तरणी और भुगत्या त्यारक और खिचड़ी त्यारक अवसर पर यहाँ विराजमान दान श्याणों की प्रथम शिक्षिका वंदन आप ये लोग अपनी बोली भाषा और अपना रीति थीति अपना लाला बालों से सिखाना ने तभी हमारी संस्कृति को प्रचार प्रसार होंगे और हमारी संस्कृति तभी ऐथर बढ़े। लेकिन मैं इसलिए कौन चाहूँ कि अपन नानथिना के अपन बोली भाषा जरूर सिखाओ और साल में एक दी बेरा कम से कम अपन घर गांव जाओ अपन बाट घाट अपन थौ थानों में दीवा बत्ती जलाओ
गंगोत्री जय जय गंगोत्री जय जय जमुनोत्री जय जय गंगोत्री जय जय जमुनोत्री जय जय गंगोत्री जय जय जमुनोत्री जय 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 केदारनाथ जय बद्री केदारनाथ जय बाबा केदार तेरो जनों चुथान Thank you.
जोश आ जाता है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तराखंड का जबरदस्त हो गया जिन्होंने ये मैत्रेणी उत्तरेणी का कार्यक्रम रखा है और हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। आपने इतने बड़े तादाद में सब लोग इकट्ठा होकर के जो किसी का विषय है एक बार जयकारा लगाकर ताली बजाकर मंत्री जी का अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे। मंत्री कैलाश गहलोत, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। साबा साबा बोला जवान 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 भाई भी व्यवस्था थी एकदम 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 वोटिंग हुई तो म्यूजिक जो बहुत बढ़िया लिया। संगीतकार भाई बहनों से मेरे निवेदन से कि अपना अपना ठाव थाम वहां विराजमान है जाना और बोलो बोलो देवता की बोलो भगवान शेम नागराज की बोलो भगवान मासू महाराज की। सबसे पहले तो आप सभी उत्तरायणी की बहुत सारी शुभकामनाएं, नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं और ली आई आप लोगों तई डांडू कांठो उत्तराखंड की कुड़ियों को देवी देवताओं को आशीर्वाद आप लोगों तई कहीं भूमि माच हमारा उत्तराखंड निवासी बैठे आज
Thank you.
सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, पहला प्रणाम, और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और पूरी जय बिहार वालों का। और मैं उत्तराखंड सांस्कृतिक एकता मंच का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सभी लोगों को उत्तरायणी मकरायणी गुड़ी त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। कौन सा गाना सुनोगे, बोल लीला या लहंगा? मधु लहंगा तेरो लहंगा
आके जबरदस्त हो गई। आपके लोकप्रिय कलाकार हैं, अभी माया उपाध्याय अभी आपके बीच में आएंगी, सौरभ मठानी हमारे बीच में आ चुके हैं, सारी व्यवस्थाएं, लेकिन अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन हम करेंगे। और हमारे बीच में मेहमान आए हैं और तो दाजी से पूछता हूँ कि कैसा प्रोग्राम हो रहा है और कितना अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं घर के पास हूँ। अच्छा, और बहुत अच्छा प्रोग्राम लग रहा है। अच्छा, और बहुत अच्छी जो व्यवस्था है, मजा आ रहा है, वो मजा आ रहा है ना। हाँ, तुम एंजॉय कर रहे हो? बहुत बहुत एंजॉय। चैनल अपना बैक टू पहाड़ के नाम से? हाँ, धन्यवाद भैया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नाम आपका? सत्यम। सत्यम, अच्छा आपका यूट्यूब चैनल है? यूट्यूब चैनल। किस नाम से? बैक टू पहाड़। अच्छा, बढ़िया। तो मजा आ रहा प्रोग्राम में? अरे बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है, मतलब कि दिल्ली में रह के भी पहाड़ की संस्कृति है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, और ये होना भी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, तो मतलब देख के अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पे था, मैं उत्तराखंड में था, लेकिन जैसे सुना कि यहाँ पे फेस्टिवल लग रहा हो रहा है, त्यौहार हो रहा है मकर संक्रांति का। अच्छा, तो बस आगे देखना, और अच्छा लगता है अपना कल्चर दिल्ली में, और अपने कल्चर को बढ़ाना भी आगे। बिल्कुल, मेरा भी चैनल है सत्यमान एडवेंचर, तो मैं भी उत्तराखंड में ट्रैवल करता हूँ। बिल्कुल, तो अच्छा लगता है कि आप लोग ये कल्चर बढ़ा रहे हैं, और मेरी तरफ से यही योगदान है। धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, तो आपको कैसा लग रहा भैया? मस्त, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। क्या नाम आपका? सुशील रुवाली। सुशील, कहाँ के रहने वाले भैया? कुमाऊं के, नैनीताल। नैनीताल के। तो अभी पहाड़ जाना होता रहता है? हाँ, अभी घूम के आए साथ में। साथ ही हो? हाँ जी, उत्तरकाशी हरकीदून में ट्रैक करके। अच्छा, पहाड़ों में जो त्रास भी आती ना, बड़ा अजीब सा लगता है। वही है ना, जितनी चीजें सुंदर है पहाड़ की, उतनी खतरनाक भी है। हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, मतलब कि अपना कल्चर नहीं भूलना है, ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के चक्कर में अपने पहाड़ को नुकसान ना पहुंचाए। मतलब मैं मानता हूँ ना, जो त्रासदी आ रही है इसके पीछे कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं। बिल्कुल, हम तो पलायन कर रहे हैं ना, उसकी वजह से त्रासदी भी आ रही है। मतलब आपका चैनल ये बैक टू पहाड़, तो एक मैसेज, ये मैसेज देता है। एक्चुअली मैंने ये चैनल जो है, चैनल नहीं बनाया, ये सोच है कि पहाड़ वापस चलो। मतलब ये कि ये देख के पता चलता है रिवर्स माइग्रेशन कोई ऐसे नहीं, चैनल के नाम से तो कम से कम चले। और मैं आने वाले आप लोगों को साथ रहते हुए साल में गांव वापस चला जाऊंगा। पहाड़ी चल रहा है भाई, यहाँ कुछ नहीं है हमारा। हमारा क्या है, अभी कोरोना आया था तो यहाँ हमारा क्या रहा, कुछ नहीं था, सब भागे थे, तो वही अपनी देवभूमि में चल रहा है, देवभूमि में रहना है। बिल्कुल, ठीक है, ऐसी बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो विजय रानी आ गए अपनी, क्या लग रहे अभी अभी मिलते हैं। हाँ जी भाई, लोगों कैसा लग रहा है? मजा लग रहा है। तो कहाँ से पहले बताओ? यार से, यार बिहार से ही है। सारे बिहार से। नहीं, वैसे कहाँ से बिलोंग करते हो? उत्तराखंड। उत्तराखंड से। मजा आ रहा है अभी? अरे मजा बहुत आ रहा है, क्या बोले, अभी नाच के आ रहे हैं। उसमें नाच के आ रहे हैं। आगे आए थे? अरे बहुत नाच रहे हैं। अरे वहाँ पे वंस मोर उत्तराखंड को ना आप लोगों की जैसे नौजवान की जरूरत है। अरे मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड वापस क्यों नहीं चलते हम? अंकल थोड़ा पढ़ाई लिखाई करेंगे तो वहीं रहेंगे, फिर सोच यही बनानी है। बैक टू पहाड़। बिल्कुल बिल्कुल, पहाड़ वापस चलना भाई। जा रहे हैं अभी, कल सुबह की ट्रेन है मेरी। ये मजा आ रहा है, बहुत मजा। लोग बैक टू पहाड़ को सपोर्ट, माहौल उठा दिया राज्य। जोशीमठ, बिल्कुल बिल्कुल, जोशीमठ को बचाओ। यहाँ रहकर नहीं बचा पाएंगे, यहाँ रहकर नहीं बचा सकते। नहीं, हमें वहाँ जाना पड़ेगा, तब जाके जोशीमठ बचेगा। वहाँ के वहाँ पे डेवलपमेंट की वजह से दरारें आ रही है। डेवलपमेंट ज्यादा जरूरी नहीं है, जो नेचर है उसी को रखो। बिल्कुल, सपोर्ट करते रहो। अरे जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल। ओके, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाओ। वेलकम टू पहाड़। थैंक यू। कैसा लगा अंकल? मजा आ रहा है? हाँ मजा आ रहा है। हाँ बताओ अंकल जी, बहुत बढ़िया व्यवस्था पे लगे बड़े हुए आप लोग। अच्छा बताइए, अच्छी व्यवस्था चल रही है, मजा आ रहा है। धन्यवाद आपका, आपने हमारे प्रोग्राम में आपने हमारा साथ दिया। ये आपका प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम सारे उत्तराखंड के लोगों का प्रोग्राम है। गढ़वाल, जौनसार, उत्तराखंड, सारे लोगों ने मिलकर इस प्रोग्राम को बनाया है। सही बात, और आशा करते हैं कि अगले साल इससे बढ़िया बढ़िया करेंगे। और लोगों को जो अभी वो हो रहा है, दुविधा हो रही है, जो परेशानी हो रही है, उसके लिए हम अगले साल उनके लिए बढ़िया व्यवस्था करेंगे। अंकल कुछ नहीं, बाहर सबसे हम क्षमा भी चाहते हैं, और हमें हर्ष भी है कि आपने इतना अच्छा। अंकल मैं पूछूँ कि मतलब सोचा था कि इतनी होगी? बिल्कुल हमने सोचा था, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तराखंड के बहुत से लोग हैं। बिल्कुल सही, जो हमारे हमेशा, मैं गुणवान हूँ। आप बहुत धन्यवाद आपका भी, और गाँव के और पहाड़ के, बिहार के सभी लोगों का सहयोग है हमारे साथ। आप लोगों का धन्यवाद, धन्यवाद। आप इसी तरह हर साल आते हैं ना? बिल्कुल, धन्यवाद। आजा भाई, तो हमें कर्ज लागू
मजा से प्रोग्राम में नीलामू हल नीलांग तुम्हें कैसे लग रहा दीदी? अच्छा लग रहा है? और भाई जी अच्छा लग रहा है? कहाँ के रहने वाले हो? रानीखेत में कहाँ के? रानीखेत के प्रॉपर रानीखेत की है। प्रॉपर रानीखेत के मैं भी उधर मानला का ही हूँ। अच्छा अच्छा मैं मानला का ही हूँ और यहाँ गुड़गांव में रहता हूँ। अच्छा चैनल है छोटा सा बैक टू पहाड़ के नाम से। अच्छा अच्छा कोशिश है कि पहाड़ वापस आ जाए। यहाँ नहीं है तो ये भाई ने चैनल सर्च करा है और धन्यवाद इसका बहुत बहुत सपोर्ट कर रहा है बैक टू पहाड़ को। क्या नाम है तुम्हारा? पार्थ। पार्थ कहाँ रहते हो भैया? जय बिहार में। हाँ जय बिहार में। जय बिहार पे। अच्छा 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 तो धन्यवाद बैक टू पहाड़ को सपोर्ट करो और शेयर भी करना ठीक है। ओके ये क्या कह रही है? गुंडू क्या कह रही है? हेलो 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 ये देखो ये अपने नमस्कार जी नमस्कार। गोपाल भाई मिल गए हैं। गोपाल भाई जी से मैं जानना चाह रहा हूँ कि बहुत लेट आए। क्या बात नहीं है? लेट आया तो आ रहा आगे मैं पहले आया। अच्छा कैसा लग रहा है प्रोग्राम? बहुत ही बढ़िया। जय बिहार वालों ने आज तो मजा कर दिया। हाँ तो प्रकाश भाई जी सुनते हैं थोड़ा सर सम्मति के हमारे ये उपाध्यक्ष भी हैं क्या कोषाध्यक्ष तो थोड़ा पैसा हमारी तरफ भी भेज देना प्रकाश भाई। धन्यवाद। परेशान नहीं
Thank you.
पहली बैठो, आराम से बैठो, पहले आराम से बैठ जाओ। जरा दीदी मुझे भी सी अखबार, हमारी माँ बहनी सी, उस भी ध्यान देवा, ठीक है। व्यवस्था बनाऊंगा, जान जमान जो तगड़ा सी मेरा, आप लोगों ने व्यवस्था बनाऊंगा, व्यवस्था बनाऊंगा। अच्छा इनका इनका यही है। तो दगड़ियों, आपको अगर पसंद आ रहा है प्रोग्राम तो कमेंट में ये भी बता दिया करो कि आप लोग कहाँ से मेरा प्रोग्राम ये देख रहे हो, मेरे चैनल में विजिट कहाँ से कर रहे हो आप लोग सभी लोग, और अपनी अपनी लोकेशन भी इसमें डाल दिया करो कमेंट में। अच्छा लगता है कि कहाँ कहाँ से मेरे लोग, मेरे भाई लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत मज़ा आया यहाँ पे, काफ़ी इन्जॉय किया हमने, माया दीदी के गाने भी सुने, इंदर आर्या के भी सुने, काफ़ी मज़ा आया हमने। तो अब निकलते हैं यहाँ से क्योंकि लेट हो गई, हमें गुड़गांव पहुँचना है। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आपका अपना दीपू भाई बैक टू पहाड़ से, ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल बैक टू पहाड़। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद। पवन बहरी संकल्प लिए।